हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द रियल गर्ल कुकिंग। मेरे चैनल में और एक रेसिपी देखने के लिए आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अपने अपने घर में खैरियत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत कॉमन एक रेसिपी, काले चने की रेसिपी, जो सबको बनाना आता है और घर में रहने वाली कॉमन मसाला से इसको बना कर दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल में देखिए जो लाल रंग की सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक कीजिए। उसे क्लिक करने के बाद एक बेल आइकन आएंगे, उसको भी क्लिक कीजिए। उसे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन हर रोज़ मिलेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस की फ्लेम को मीडियम करके हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें हम चने को डाल देंगे। चने को हमने 5 घंटे भिगो के रखे थे। अब इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। 1 पिंच सोडा डालेंगे। सोडा डालने की वजह से चना अच्छे से बॉईल होंगे। इधर मसालों में हमने 2 प्याज को बारीक काट लिए हैं, कसूरी मेथी लिया है, 2 सूखी मिर्च लिया है, हींग लिया है, हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, जीरा लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून, नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार। नमक हम चने को बॉईल करने के वक्त दे दिया है, अपने स्वाद के अनुसार लेना है। सबकी नाप हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। 4-5 सीटी आने के बाद हम गैस को ऑफ कर दिए हैं। अब कुकर की ढक्कन खोलेंगे। देखिए चने अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब इसको हम छान लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम करके एक कढ़ाई ले लिया है। इसमें हम 1/4 कप सरसों की तेल डालेंगे। तेल को थोड़ा गर्म होने दें। अब इसमें हम खड़ा जीरा डालेंगे। जीरे को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम हींग डालेंगे, 2 सूखी मिर्च डालेंगे और सबको हम फ्राई कर लेंगे। सब कुछ अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम सारी ड्राई मसाला को डालेंगे। सबसे पहले हम हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, और इन मसालों को भी फ्राई कर लेंगे। इसको थोड़ा ग्रेवी टाइप बनाने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे। मिला लेंगे इसको और इसको चम्मच की मदद से चलाते रहना है। देखिए मसाला भून के बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम चने को डाल देंगे। चने को हमने एक छल्ली की मदद से छान लिया है। ये देखिए चने बिल्कुल बॉईल हो चुके हैं। अब डाल देंगे इसको और मिला लेंगे सबको एक साथ। चने को मसालों के साथ अच्छे से मिलने के लिए हम इसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। बाद हम ढक्कन हटा के देखते हैं। देखिए मसालों के साथ अच्छे से मिल चुके हैं। फिर से मिला लेंगे इसको। अब इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी की फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो धनिया पत्ता की यूज कर सकते हैं। मिला लेंगे इसको और इसमें कसूरी मेथी की फ्लेवर अच्छे से आने के लिए हम इसको फिर से ढक के रखेंगे थोड़ी देर के लिए।
थोड़ी देर बाद हम फिर से ढक्कन हटा के देखते हैं, मिला लेंगे सबको एक साथ। इससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है कसूरी मेथी की। रेडी हो चुके हैं कले चने रेसिपी, अब इसको हम सर्व कर देंगे। चने को सर्व कर दिया है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।